जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और इस समय समय हो रहा है 5:30 और दिन है आज शुक्रवार 25 अगस्त। और मैं इस समय बैठा हुआ हूँ बिल्कुल बाईपास पे दुर्गा विहार के ठीक सामने, क्योंकि कांवड़ यात्रा का जो है अंतिम चरण चल रहा है। अंतिम सोमवार है इस बार सावन का, तो मैं कांवड़ यात्रा कवर करने आया हुआ हूँ। तो एक बार मैं बाहर का आपका चारों ओर का दृश्य आपको दिखा देता हूँ। अभी कांवड़ आनी शुरू हो गई हैं, आज बहुत ज़्यादा कांवड़ आएंगी अभी हैं। और ये देखो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये बाईपास ऐसे, और ये सीधा चला गया यहाँ से शेरकोट काशीपुर के लिए। और ये पीछे वाली जो रोड है ये जा रही है धामपुर के अंदर के लिए यहाँ से। और दोस्तों, हम लोग जा रहे थे धामपुर से मुरादाबाद किसी काम से, और ये देखो बीच सड़क में बिल्कुल बहुत सुंदर केदारनाथ की, साक्षात केदारनाथ वाली कांवड़ मुझे दिखाई दी। और ये कल मेरे से मिस हो गई थी, कल ये धामपुर से निकली थी और आज ये यहीं तक पहुंची है। जय भोले जी भैया, केदारनाथ जी का है ये। कल मेरे दोस्तों ने इस कांवड़ के विषय में मुझे बताया था, लेकिन मुझसे मिस हो गई थी, मेरे पास समय नहीं था। और ऐसी जैसी आज मेरी इस पर नज़र पड़ी तो मेरा जो है दिन बन गया भाई। मैं सबसे पहले गाड़ी से उतरा, मैंने इसका वीडियो बनाया और बहुत ही सुंदर कांवड़ है, आप देख सकते हैं।
साक्षात केदारनाथ जी के दर्शन है ये आपके सामने, एक बार और देखिएगा आप। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। और दोस्तों हम लोग लौट के आ रहे हैं मुरादाबाद से, और एक जत्था अब ये मिल चुका है। क्योंकि कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरणों में है, 28 अगस्त का अंतिम सोमवार है इस श्रावण मास का, तो इसी तरह से हमें बहुत सारे जत्थे मिलने वाले हैं। तो आप आनंद लीजिएगा इस वर्ष की कांवड़ यात्रा का, और हमें बहुत सारी वो कांवड़ भी मिलेंगी जो आज अर्ली मॉर्निंग मैंने बाईपास से बैठ के कवर की थी दुर्गा विहार के ठीक सामने से, और अब आपके सामने आ रहा है ये दूसरा जत्था। देखो, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। मुझे म्यूजिक इसलिए म्यूट करना पड़ता है, आप लोगों को पता है फिर कॉपीराइट आ जाएगा इसमें, तो इसलिए ये वाला म्यूजिक मुझे हटाना पड़ता है। और देखो ये सुबह वाली कांवड़, ये मैंने सुबह भी कवर की थी बिल्कुल ठीक आपके सामने। और हम लोग आ चुके हैं सिहारा, और ये तीसरा जत्था, बहुत छोटा सा जत्था सिहारा का, और यहाँ हम आप लोगों से विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।